हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशेवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टैरो रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। ओके गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज, अगर आप लोग हीलिंग पोएट्रीज को सुनना चाहते हो तो आप एम्परर 555 को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए गाइस, करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को, देखते हैं क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। यहाँ पर वी लेटर है गाइस, ठीक है। यहाँ पर वन नंबर है गाइस, आपकी पर्सन मुझे सीढ़ियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। जैसे हमें कोई रास्ता चाहिए होता है ना, तो हम एक ब्रिज या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपसे कनेक्शन बनाने के लिए, आप तक आने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हुए भी मुझे ये नजर आ रहे हैं आज की रीडिंग में स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के द्वारा। आप लोग गाइज, अगर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को ना इस वक्त बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिख रही होंगी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सुनी जा रही है डिवाइन के द्वारा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज कि उनकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो सकती है। अगर आप लोगों को इस समय बटरफ्लाईज दिख रही है गाइज, तो डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, यहाँ पर टी लेटर बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है गाइज, टी लेटर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आपको अच्छे मन से याद कर रहे हैं, कब उनका मन खराब है, कब वो परेशान, ये सारी एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं मिल पाती हैं गाइज, ठीक है। मुझे ये नजर आ रहा है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा हो रहा है कि समझने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने पर्सन के मैसेजेस आपको ऑटोमेटिक वे में समझ में आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सेम चीजें गाइज आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं, ठीक है। आपके मन में क्या है, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कब आप उन्हें याद कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके पर्सन के पास भी ऑटोमेटिक वे में पहुंच रही हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये, मुझे ये एनर्जी आ रही है गाइस कि आपके पर्सन अच्छाइयां इस समय काउंट कर रहे हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो ऐसी है कि आपकी अच्छाइयां काउंट कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे गुस्से में क्या होते हैं, आपके पर्सन बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या फिर आपकी आपके साथ बुराइयां देखने लगते हैं या फिर इस रिलेशनशिप की जो भी कड़वी यादें हैं उन्हें सोचने लगते हैं, लेकिन अभी मुझे ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन बहुत ही लविंग है। और आप दोनों के बीच में जो भी अच्छी बातें हैं, ठीक है, आप में जो अच्छी क्वालिटीज है स्पेशली उनको आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं। आपके पर्सन गाइज यहाँ पर गॉगल्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक है आपके पर्सन को या आपको, ठीक है। और लिटरली मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है इस वक्त, वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो एनर्जीज ऐसी हैं गाइस कि आपसे कनेक्शन बनाने के लिए दोबारा आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ पर आज फील हो रही है।
ठीक है, अनब्लॉक आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस रीडिंग के आसपास होने वाले हो। यहाँ पर गाइस देखिए, एक एनर्जी मुझे ये आ रही है कि बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आप लोग वेटिंग एनर्जी में थे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस एनर्जी को फील कर पा रहे थे। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सेम जिस तरीके से आप वेट कर रहे थे, आपके पर्सन भी सही समय का वेट कर रहे थे एक्शन के लिए, ठीक है। आज की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन उन्हें डेफिनेटली यहाँ पर अनब्लॉक भी करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है इस कनेक्शन को, ये रीडिंग काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पर मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रीडिंग के आसपास डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज भी कर देंगे, ये भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस, एच लेटर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है आज की रीडिंग में। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ना वेट किया था, उन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया, बहुत लंबे टाइम से होप बनाए हुए थे, उनकी जो उम्मीद थी ना वो यहाँ पर रंग ला रही है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर डी लेटर है गाइस, बी लेटर है, यहाँ पे 11 नंबर है यहाँ पे। देखिए ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं गाइस, ये जो एनर्जीज आज की रीडिंग में है ये है कि आपके पर्सन का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा ही मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। एल लेटर भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। इस वक्त गाइस ऐसा है कि आपके पर्सन के पास में ना दो डायरेक्शंस हैं, और जहां पर मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने ना एक ही चीज को यहाँ पर चूज किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में इन्होंने आपको चूज किया है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रीयूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि आपके पर्सन आपसे जैसे ही आपके सामने आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे तो बात यहां से शुरू करेंगे गाइस, क्योंकि फ्लर्ट करें आपके साथ, ठीक है। ये भी एनर्जीज यहाँ पर है। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि वो सीधा सीधा आपसे ये बोले कि क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगी या चाहोगी, ये एनर्जीज भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है ये आपसे फ्लर्ट करे पहले और आपके मन की बात जानने की कोशिश करे, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बात करेंगे गाइज आपके पर्सन आपसे खुल के, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे समय से आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें रुकी हुई थी जो आगे ही नहीं बढ़ रही थी, ना ही कुछ क्लियर हुआ था। यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी है गाइज, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी पॉजिटिव है ये रीडिंग आज की। देखिए ये पर्सन इस वक्त आपको कंप्लीट मैरिज मटेरियल मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि आप मैरिज की एनर्जी भी है, सो ऐसा फील हो रहा है कि आपको एज अ पार्टनर देखते हैं अपनी लाइफ में, एज अ लाइफ पार्टनर। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो गाइस, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही इनका पूरा जो जीवन है वो अच्छे से चल सकता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो इनके लिए, एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल, एक कंप्लीट लाइफ पार्टनर के तौर पर इस वक्त आपके पर्सन आपको महसूस कर रहे हैं। इस कनेक्शन को गाइस डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, सिर्फ ये कनेक्शन आपके पर्सन की मर्जी से या आपकी मर्जी से नहीं जुड़ रहा है। यहाँ पर जो आपका कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहा है वो डिवाइन की मर्जी से जुड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग भी फील हुई है। देखिए ये पर्सन ना ऑफर लेकर तो बहुत लंबे टाइम से खड़े हुए थे, ठीक है, मतलब बढ़ना तो ये बहुत लंबे टाइम से, इनके हाथ में ऑफर था, इनके हाथ में कमिटमेंट थी, लेकिन ये सोच रहे थे। यहाँ पर मुझे एक्शन की एनर्जी आज की रीडिंग में आई है, जैसे लग रहा है कि कोई आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, न्याय करना चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन को जो चीजें नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी, वो आपको दोबारा से देना चाहता है। वास्तव में इस कनेक्शन में जस्टिस की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है।
यहाँ पर गाइज आप लोगों का ओ लेटर हो सकता है, अक्टूबर मंथ है यहाँ पर, ठीक है, अक्टूबर मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीरो नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, डी लेटर है यहाँ पे, आपके पर्सन की सांसें थम जाती हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे कि सांसें थम जाती हैं जब आप उनसे दूर होते हो, ठीक है। पता नहीं मैसेज मुझे चैनल हो रहा है रीडिंग के समय कि आपके पर्सन की सांसें थम जाती हैं लिटरली जब आप उनसे दूर होते हो, क्योंकि उनका पूरी ऐसा उन्हें लगता है कि जिंदगी थम सी गई हो। बहुत स्ट्रांग टू लव की वाइब्स इस रीडिंग में है। इस वक्त आपके पर्सन का मन हो रहा है कि उड़ के आपके पास आए, ठीक है, और आपके साथ बैठे, आपके साथ बहुत सारी बातें करें, आपको बहुत सारी बात बताएं। जैसे लग रहा है ये इंसान आपके बीच का जो फासला है उसको बहुत तेजी से और बहुत जल्दी दूर करना चाहता है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है गाइस कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, ठीक है, आप इनकी फैमिली को, इनको बहुत खुश रखोगे, ठीक है, इनकी फैमिली आपके साथ खुश रहेगी, इनकी खुद की फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली को भी ये बहुत खुश रखेंगे। मतलब इस तरीके की एनर्जीज मुझे लगा रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत पारिवारिक किस्म का भी मानते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं गाइस इस इंसान को आपको लेकर, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई अधूरी इच्छा इनको ऐसी लगती है जो पूरी नहीं हुई, क्योंकि जैसे मन का सुकून कहीं गायब है ऐसा नजर आ रहा है। गाइज इस इंसान को ना पास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जो आज मैंने आपको रीडिंग दिखाई है ना, आपके पर्सन को पास्ट में आपके खिलाफ भरा भरा गया है ये एनर्जी। यहाँ पर देखिए आज की एनर्जी है, बीच में निकल कर आई है ये चीज कि आपके पर्सन को यहाँ पर से कान भरते ना हम लोगों के, हम नहीं मतलब जो लोग भरते हैं, ठीक है, सो जैसे कान भरे जाते हैं ना कि कुछ भी बोल रहे ना पता ना कुछ भी, बट हाँ बस बोले जा रहे कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो मतलब आपके खिलाफ चीजों को भरा गया है इनके कानों में बहुत ज्यादा, ठीक है, जिस वजह से आपके पर्सन का माइंड यहाँ पर यू नो डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी उनकी बुद्धि खुलते हुए मुझे नजर आ रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग के आसपास आप लोगों को कॉल आएगी गाइस, ठीक है, जिन लोगों के कनेक्शन में गलत फहमियां यहाँ पर किसी और ने डाली थी, ठीक है, आपके पर्सन तो आपके लिए बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है, उन्हें आप ही के साथ सब कुछ करना था, लेकिन कुछ लोगों के भरे में अगर आपके पर्सन यहाँ पर आए थे, उनके खुद के मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं था, तो डेफिनेटली गाइज मैं ये देख रही हूँ कि इस रीडिंग के आसपास आप लोगों को कॉल मैसेजेस भी आ रहे हैं, और आप लोग अनब्लॉक ब्लॉक हो गाइज तो अनब्लॉक भी करेंगे आपके पर्सन। आपको गाइज सामने से ऑफर मिलेगा, और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है गाइज के न्यू बिगनिंग की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, ठीक है, एस ऑफ कप्स आपने देखा ना, कोई आपको लव ऑफर करता है, ठीक है, अनकंडीशनल लव, वही एनर्जी यहां पर है। इनके दिमाग में एक सवाल भी चल रहा था गाइस कि क्या आप उनसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो, ठीक है, इनके दिमाग में ये सवाल भी चल रहा था आज के दिन में कि क्या आप उनसे उतना ही प्यार आज भी करते हो। इनको इस वक्त गाइज आप पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी भी है इस वक्त, इनको काफी ज्यादा प्यार आ रहा है, आपको आपको हग करने का मन कर रहा है, दे वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू हग यू, ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी आएगी गाइज कनेक्शन में, मुझे एनर्जी ये फील हो रही है कि इस कनेक्शन में बहुत जल्दी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आपके पर्सन, ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनको शायद इनकी आंखें इस वक्त खुल गई हैं, ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में यहाँ पर किसी लोगों कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जिन्होंने आपके पर्सन को यहाँ बहुत ज्यादा आपके खिलाफ चीजों के प्रति भरा था, तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन की यहाँ पर आंखें खुल गई हैं। गाइस चलिए भी हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं, सो और क्लियर होगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। फूल डेफिनेटली,
स्टार, मून, नाइन ऑफ वैंड, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, बॉटम से है किंग ऑफ कप्स, यहां से है फाइव ऑफ वैंड सन। डेफिनेटली मुझे एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो इस वक्त वो काफी बैलेंस्ड दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इनका जो ध्यान है वो ऐसा नहीं है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यू नो किसी एक चीज पर हो, ठीक है। करियर पर भी ध्यान है इनका और इनका प्यार भी आपके लिए बहुत ज्यादा है गाइस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये दिखा रहे गाइस कि प्यार बहुत ज्यादा है आपके लिए इस वक्त। इनकी विश यही है कि आपकी तरफ वापस आए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कास्ट डिफरेंस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, लेकिन विश यही है कि आपकी तरफ वापस बढ़े। और मुझे लग रहा है गाइस कि ये न्यू बिगिनिंग होगी। फूल दिखा रहे कि रिकंसिलेशन होगा क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। आपके बिना इनकी जो चीजें है ना वो इनको कंप्लीट नहीं करती, इनको अच्छा नहीं लगता गाइस, ठीक है। एक होता है कि इंसान रह लेता है, ठीक है, और एक होता है कि इंसान खुशी से रहे। सो आपकी पर्सन सिर्फ रह रहे हैं, खुशी से नहीं रह रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है गाइस कि अगर आप लोगों को ना डाउट्स होते हैं अपने पर्सन पर या फिर आपको ऐसा फील होता है कि वो सही इंसान नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ना करें, जज ना करें अपने पर्सन को। कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसी हो जाती है, प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि वो इंसान चाहकर भी चीजें कर नहीं पाता है। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की रही है। देखिए इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई तो है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इनको ना अपनी लाइफ में पैसे की बहुत नीड थी गाइस, ठीक है, पैसे की बहुत नीड थी। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के फैमिली, ठीक है, फैमिली स्टेटस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि इनके पास जो पैसा है वो शायद पर्याप्त नहीं है आप दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए, तो इन्होंने आपसे ये बात छुपाई और ये अपने करियर में लगे रहे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी है, बट मुझे आपके पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस विद चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर कॉल मैसेजेस आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। मैं एक इनिशियल एक दो ही निकालूंगी, ज्यादा नहीं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं गाइज आपके पर्सन, पी लेटर हो सकता है उनका, यू लेटर हो सकता है, सितंबर मंथ हो सकता है, फोर नंबर हो सकता है, और अक्टूबर मैंने बोला भी था यहां भी आया है, एंड कैंसर हो सकते हैं गाइज आपके पर्सन, ठीक है। काश तुमने मुझे समझा होता, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि काश तुमने मुझे समझा होता। हो सकता है पास्ट में गाइज आपके पर्सन ने आपको समझाने की कोशिश की थी उनकी मन की बातें, बट आपने नहीं समझी। आई कांट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक, आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं और इस दर्द को, इस टूटे हुए दिल को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका दर्द नहीं सह सकता, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। We are twin flames, we are in spiritual connection and I know this. मुझे पता है कि हम twin flames हैं और हम एक spiritual connection में हैं, मैं इस चीज को जानता हूँ। क्यों रोते हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जहां भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। आपकी पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको डाउट होता है ना कि आपके पर्सन आपके नहीं है या फिर ये कहीं और बिजी है, तो आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि आप क्यों रोते हैं, ठीक है। वो जहां भी हैं आप ही के हैं, वो कभी आपसे अलग थे ही नहीं, ठीक है। और उनको ये डर है कि आप माफ नहीं करोगे, ये भी यहाँ पर नजर आया है। डर की एनर्जी तो थी गाइज, नाइन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू गाइज।